हेलो मेरे ब्यूटीफुल दोस्तों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करते हो बहुत अच्छी होंगे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज है नवमी का दिन, दशहरा का टाइम, नवमी का दिन है आज। तो उस दिन के वीडियो मैं आज पोस्ट करने वाली हूँ, क्योंकि इतने दिन तक मुझे एकदम टाइम नहीं मिला। उस दिन हम लोग गए थे, आप लोग तो देख पा रहे हो, हम लोग अभी 10 के अंदर है। उस दिन हम है बेंगलोर से, और उस दिन हम गए थे मैसूर घूमने के लिए। पूरा दिन के लिए हमारा टूर मैसूर में ही था। 2 दिन होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन 2 दिन नहीं, हम पहले से ही टिकट, शाम के टिकट बना लिया था घर लौटने के लिए, इसलिए 2 दिन नहीं, 1 दिन की टूर था। इससे पहले भी हम ससुराल के फैमिली के साथ गए थे मैसूर घूमने के लिए। उस टाइम गए थे कार में, इस टाइम हम जा रहे हैं ट्रेन में। इस टाइम आए हैं हमारे पापा के घर से, मेरे पापा के घर से सब लोग, तो उन लोगों को लेकर घुमाने के लिए हम जा रहे हैं। सो हम अभी इस टाइम मैसूर के एक छोटे से पार्क में है, जो रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी में है। हम इधर आए हैं खाना खाने के लिए। हम साथ में कुछ खाना करी करके लेके आए घर से ही, जो रात में बना के रखे थे, खीर पूरी, परवल आलू की सब्ज़ी, थोड़ा सा राइस, क्योंकि बाहर का खाना तो पूरा दिन खाना ही पड़ेगा, तो घर का खाना भी मॉर्निंग मैं लेके आई हूँ, क्योंकि हमें बाहर का खाना खाना एकदम पसंद नहीं है। मुझे तो खास करके एकदम पसंद नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा घर का खाना लेके आए हैं। सब मिलके अभी खाएंगे। हमारे हस्बैंड लोग गए हैं पानी लाने के लिए, उनके लिए वेट कर रही है। और जो बिछा के हमने बैठे हैं ना, ये भी इधर मेले में ही पड़ा था। इधर मेले हो रहा है, हम फ्रंट साइड से नहीं, पीछे के साइड से आए हैं पार्क के अंदर, और उस साइड में मेले चल रहा है। तो मेले में तो अभी कोई नहीं है, मेला तो पूरा सुनसान है, मुझे लग रहा है मेला ख़त्म है। जो भी है, चले चलिए, हम लोग अभी खाना खाने के लिए स्टार्ट कर दिया है। पानी वानी लेके आए हैं, सब मिलके खाना खाने के लिए स्टार्ट कर दिया है। मेरे हस्बैंड अभी थोड़ा मोबाइल पकड़ के वीडियो शूट कर रहा है, उनका खाना अभी तक नहीं हो, वो भी खाएंगे हमारे साथ। उसके बाद हम निकल गए हैं, अभी जा रहे हैं, सबसे पहले हम जाएंगे टेम्पल, चामुंडी टेम्पल, वो पहाड़ के ऊपर है। देखिए हमारा जो गाड़ी जा रहा है ना, गाड़ी के अंदर है अभी, तो जा रहा है ना, वो पहाड़ के ऊपर चल रहा है, पहाड़ के ऊपर चल रहा है एकदम। दो साइड में घना वन है, मिडिल से एकदम रास्ता है, मतलब इतना अच्छा लग रहा है। जो कभी कभी हम देखते हैं ना सीरियल में या फिल्म में देखते हैं ना, हमें तो ऐसा ही फील आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इधर आने का सबका एक ही मकसद है, सब जा रहे हैं चामुंडी टेम्पल। ये जितना गाड़ी सब जा रहे हैं ना, सब चामुंडी टेम्पल साइड में जो खड़ा होके है ना, वही सब टेम्पल में गए हैं। और इससे पहले हम जब आए थे इधर, तब आते आते हम शाम हो गया था, नाइट हो गया था, तो उतना अच्छे से देख नहीं पाए। अभी मॉर्निंग के टाइम बहुत अच्छे से देख रहे हैं। फ्रेंड देखिए, हम लोग इतने ऊपर है, पूरा मैसूर शहर दिख रहा है ऊपर से, पूरा मैसूर शहर दिख रहा है। देखिए ये पूरा मैसूर शहर है जो हम इतने ऊपर से दिख रहा है। ये जो नज़ारा है ना सामने से देखने के लिए, बहुत बहुत बढ़िया लगा मुझे। और इतना बहुत ज़्यादा धूप, बहुत ज़्यादा धूप का, थक भी गए थे। इसके बाद हम जाएंगे मैसूर प्लेस। अगर इतनी तेज धूप ना होता ना इधर, और कुछ देर तक रुक जाते और अच्छे से वीडियो शूट करते, फोटो वगैरह लेते। और अभी इस टाइम चले आए हैं मैसूर प्लेस के अंदर। बहुत बड़ा राजमहल है, राजा रानी कहाँ पे नहाते थे, कहाँ पे सोते थे, कहाँ पे खाना खाते थे, क्या क्या करते थे, क्या कपड़े पहनते थे, सब कुछ इधर है, सब कुछ इधर है। और मुझे तो देख के ऐसे लग रहा है, इतना बड़ा महल में कैसे रहते थे, तो महल के अंदर ही हम लोग होते तो महल के अंदर ही खो जाते थे, इतना बड़ा महल है। तो देखिए कोई राजमहल के अंदर इतना ज़्यादा भीड़ है, पैर रखने का जगह नहीं है। वैसे तो ऐसे करके मैंने वीडियो बनाया है, मेरे पास वीडियो स्टिक था इसलिए बना पाया, नहीं तो नहीं बना पाता। और दिखाने के लिए भी सब कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि अभी दशहरा का टाइम चल रहा है ना, तो इधर तो धमाका होने वाला है। मैसूर में बहुत फेमस है ये दशहरा का टाइम। सो मेरी वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो मुझे फेसबुक पेज में देख रहे हो, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए।